से इस कंपनी ने अपना जो सोशल मीडिया पोर्टल था उसको कई बार बदला और उसके कई कई नाम रखे। सोशल ट्रेड डॉट बिज के बाद इन्होंने इसको किया freehub.com, freehub.com के बाद इन्होंने intmart.com किया। आरोपी अनुभव मित्तल ने दिसंबर 2015 में सोशल ट्रेड डॉट बिज नाम से पोर्टल बनाया। कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद दिसंबर 2016 में freehub.com नाम से पोर्टल बनाया गया। 10 दिन बाद ही कंपनी में अपना फर्जीवाड़ा intmart.com पर माइग्रेट कर लिया। इस बार भी बात नहीं बनी तो 27 जनवरी को friendsup.com नाम से नया पोर्टल बना लिया। अब आपको कंपनी के फर्जीवाड़े का मॉडल समझाते हैं। कंपनी की फर्जी स्कीम से जुड़ने के लिए लोगों को चार ऑप्शंस दिए गए थे। कंपनी के अकाउंट पे 5,750, 11,500, 28,750 या फिर 57,500 रुपए जमा करने पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता था। इस आईडी का इस्तेमाल कर फर्जीवाड़े में फंसा शख्स कंपनी के पोर्टल पर लॉगिन करता था, जहां उसे कुछ पेज लाइक करने होते थे। कंपनी हर लाइक पर 5 रुपए देने का दावा करती थी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 125 लाइक पर योजना के मुताबिक रकम दी जाती थी। कंपनी से जुड़ने वाले हर मेंबर को अपने नीचे दो और लोगों को जोड़ना होता था, जिस पर एक्स्ट्रा रकम मिलती थी। जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने निकाल लेते हैं। जल्द पैसा कमाने के लालच में दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 7 लाख लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो गए और 9 लाख से ज्यादा आईडी का इस्तेमाल कर कंपनी के खातों में 37 अरब से ज्यादा की रकम जमा कर दी गई। आप देखते हैं FreeW Digital प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी थी और इस कंपनी में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उस 37 अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड बताया गया है। चार आईडी है 57,500 की और यही बोला गया था कि क्या नाम है कि अगर आप दूसरे क्लियर करेंगे तो उसका डबल जो 125 क्लिक थे वो 250 मिलेंगी और अभी एक महीने से पेमेंट भी नहीं आ रही है। अभी इन्होंने फिर से प्लान चेंज करा, कंपनी का नाम भी चेंज करा, तो डाउट में तो सभी लोग थे, अब और ज्यादा डाउट हो गए। एसटीएफ ने कंपनी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया है जिसमें करीब 500 करोड़ रुपए जमा है। करीब 524 करोड़ रुपए अकाउंट में फ्रीज करने के लिए कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर इश्यू किए गए हैं। फर्जीवाड़े का अंदेशा होने के बाद इस कंपनी के ही सदस्यों ने नोएडा और सूरजपुर में केस दर्ज कराए थे। पहले भी इस तरह के कई फर्जीवाड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शॉर्टकट में जल्द कमाई के लालच में लोग इस तरह की कंपनियों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पर लगा देते हैं।